हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे थे ब्रेसेस गाइड, मैं रोहित आपके साथ। तो बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट या वो लोग जिनको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है, तो ऐसे लोगों या ऐसे पेशेंट का एक सवाल था कि अगर ब्रेसेस का जो इलाज है उसे अगर वो लोग सरकारी हॉस्पिटल से करवाते या जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है अगर यहाँ से कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल से करवाते हैं या जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज से अगर करवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या ब्रेसेस का पेशेंट है, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने मन बना लिया कि आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है तो आप बेशक कराइए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा कितना आएगा, तो मोटा हिसाब मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल से करवाना चाहते हैं या जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है वहाँ से अगर आप करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट के कंपेयर आपको जो इलाज है एकदम आधा पड़ेगा, यानी कि जितनी भी प्राइवेट में फ़ीस होती उसकी आधी फ़ीस आपकी लगेगी, जिससे आप अपने दांतों को सीधा करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट जो प्राइवेट क्लिनिक होती है इनके जितने तरह के ब्रेसेस होते हैं इनके प्राइस के बेसिस पे हम समझेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट का कितना खर्चा आपको लगेगा। तो बेसिकली इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बेसिकली चार तरह के ब्रेसेस होते हैं। सबसे पहले तरह का जो ब्रेसेस होता है वो मेटल ब्रेसेस होता है, दूसरा सिरामिक होता है, तीसरा लिंगुअल ब्रेसेस होता है और चौथा इन्वेसिलाइन, जिसे हम क्लियर अलाइनर कहते हैं। ये चार तरह के ब्रेसेस पूरे दुनिया में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ब्रेसेस की। देखिए, मेटल ब्रेसेस सबसे कॉमन तरह का ब्रेसेस है और सबसे जो ज़्यादा लगवाने वाले ब्रेसेस है वो मेटल ब्रेसेस है, क्योंकि जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो मेटल ब्रेसेस रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, इनको आप चाह के भी हटा नहीं सकते जब तक कि आपका ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए। तो इसी के चलते जो रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा वो मेटल ब्रेसेस के अच्छे आते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो मेटल ब्रेसेस होता है। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस। तो मेटल ब्रेसेस का जो प्राइस होता है वो 25,000 से 30,000 होता है और ये जो प्राइस होता है वो दोनों जॉ का होता है, एक जॉ का नहीं होता, यानी कि 25,000 से 30,000 में आपके दोनों जॉ में ब्रेसेस लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। तो प्राइवेट में जो खर्चा आएगा वो 25,000 से 30,000 के आसपास आएगा। तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेटल ब्रेसेस लगवाएंगे, तो इसका आधा यानी कि 25,000 से 30,000 का आधा यानी कि 12,000 से 13,000 आपका खर्चा आएगा। और यही प्राइस अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में करवाते हैं तो वहाँ भी आपको सिमिलर प्राइस सरकारी के कंपेयर आपको मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का ब्रेसेस होता है वो सिरामिक ब्रेसेस होता है। देखिए, मेटल ब्रेसेस और सिरामिक ब्रेसेस में बस इतना अंतर है, सिरामिक ब्रेसेस में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जिससे ये दिखते नहीं है बड़ी आसानी से, ठीक है। जब तक कोई इंसान आपके बहुत नज़दीक ना आ जाए, मतलब 1 मीटर की दूरी पर ना आ जाए, तब तक ये दिखते नहीं है। बाकी पूरा जो सिस्टम होता है वो सेम होता है मेटल ब्रेसेस की तरह। प्राइस कितना होता है, देखिए, प्राइवेट में अगर आप सिरामिक ब्रेसेस लगवाएंगे तो इसका जो प्राइस होता है अप्रॉक्सीमेट 35,000 होता है। तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल या जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है वहाँ से सिरामिक ब्रेसेस अगर लगवाते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो पड़ेगी आपको तकरीबन 17,000 के आसपास, ठीक है। 17,000 के आसपास आपको सरकारी हॉस्पिटल में खर्चा आ जाएगा। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी सिरामिक ब्रेसेस लगवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का ब्रेसेस आता है वो आता है लिंगुअल ब्रेसेस। देखिए, लिंगुअल ब्रेसेस में क्या होता है, देखिए, आमतौर में जो ब्रेसेस होते हैं वो दांतों के ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि जो ब्रेसेस है वो दांतों के पीछे से लगा दी जाए ताकि सामने वाले को बिल्कुल ना पता चले, तो इसी को हम लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। अगर ब्रेसेस दांतों के पीछे से लगा दिए जाए, चाहे मेटल हो या सिरामिक हो, तो इस तरह के जो ब्रेसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। देखिए, लिंगुअल ब्रेसेस को लगाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं और साथ ही साथ जो मंथली एडजस्टमेंट किए जाते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि दांतों के पीछे से लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसे फिक्स करना, उसे अगर टूट जाता है उसे रिपेयर करना, तो इसी के चलते थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है प्राइवेट जो जितने भी क्लिनिक से अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसका जो खर्चा आता है वो प्राइवेट क्लिनिक में आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेट 55,000। तो 55,000 में आपको लिंगुअल ब्रेसेस लगेंगे। अगर आप सरकारी में जाते हैं तो सरकारी में बहुत जगह इसे रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपने मन बना लिया कि आपको इसे लगवाना है तो अप्रॉक्सीमेट 28,000 के आसपास सरकारी में इसका खर्च बैठेगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि जिस सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, उसकी रैंक क्या है। रैंक के हिसाब से भी फ़ीस चार्ज की जाती है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट आपको 28,000 देने पड़ेंगे अगर आप लिंगुअल ब्रेसेस लगवाते हैं तो। इसके बाद जो नास्त्र की टेक्निक है उसे हम कहते हैं इनविसिलाइन ब्रेसेस। तो इनविसिलाइन ब्रेसेस को हम लोग क्लियर
अलाइनर्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ की टेक्निक नहीं है, ये अमेरिका की टेक्निक है, लेकिन अब पूरे दुनिया में ये टेक्निक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनका एक नाप ले लिया जाता है, और नाप लेने के बाद इस तरह की कैप्स आपको दे दी जाती है। ये आपको हर महीने जो है पहननी होती है। जितने महीने का आपका इलाज होगा या जितने सालों का इलाज होगा, एक या दो साल का, हर महीने की अलग अलग कैप आपको पहननी होती है। और जब आपका ट्रीटमेंट पूरा होगा, जब आप लास्ट कैप पहनेंगे, तो आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए, इसका जो प्राइस ही इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है या डिसएडवांटेज है। इसका जो मिनिमम प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है, वो 1,00,000 रुपये से स्टार्ट होता है, क्योंकि इन्वेसलाइन ब्रेसेस इंडिया में नहीं बनते, ठीक है। आपकी बस एक नाप ले ली जाती है, उसके बाद इस नाप को विदेश में भेजा जाता है, विदेश से ये बन के आते हैं। तो इसी के चलते मिनिमम इसकी प्राइस 1,00,000 से 4,00,000 तक है इंडिया में। तो इसी के चलते 90% इंडियंस के बजट के बाहर है। और अगर आप सरकारी में जाते हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के ब्रेसेस नहीं लगवाए जाते। और अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में भी जाएंगे, तो सारे ऑर्थोडोंटिस्ट इस तरह का ब्रेसेस रिकमेंड नहीं करते। और इस तरह की जो फैसिलिटी होती है, जिसे हम इन्वेस्टलाइन ब्रेसेस कहते हैं, ये सारे ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो ये है 4 तरह के ब्रेसेस, प्राइवेट में खर्चा कितना आएगा और सरकारी में कितना आएगा, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं, ये इलाज करवाना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट है, आप पूछिएगा कमेंट में, और मैं आपका जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।